चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक डबरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरदी में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला विद्यालय की भवन जर्जर है। भवन के अभाव में ग्राम हरदी के प्राथमिक शाला की कक्षाएं जुगाड़ के भवन जर्जर हो चुका है, जिसके कारण प्राथमिक विद्यालय का नोनिहाल 5 सालों से जुगाड़ के भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लॉक डबरा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला हरदी का भवन 25 साल पहले बनाया गया था, जो भवन अब 5 साल से अति जर्जर हो चुका है। बारिश के दिनों में पानी टपकता है, साथ ही भवन के कमरे में दीमक लग चुकी है, जिससे सांप बिच्छू का बसेरा भी बन चुका है। इस प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक पदस्थ है, जिससे इसी की शैक्षणिक सत्र से मात्र 26 बालक बालिकाओं ने एडमिशन लिया है। सरकार स्कूल के लिए लाखों रुपए खर्च करने की बात करती है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के कारण नोनिहाल जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अब कब तक इस परेशानी का सामना करना होगा, या फिर बच्चों को ऐसे ही लगातार जर्जर भवन में पढ़ना होगा, और इस समस्या का कब समाधान होगा? देखिए, तो मेरा पदस्थापना अभी लगभग 3 माह हुआ है यहाँ आए। पूर्व में विकासखंड की ओर से जानकारी भेजी गई होगी, और मेरे अभी कार्यकाल में जानकारी जब भी मांगी जाएगी मैं भेजूंगा। मेरे निरीक्षण के दौरान हरदी स्कूल में गया था, तो वहाँ पर स्कूल को जर्जर पाया हूँ। खाली हरदी स्कूल ही नहीं, हमारे विकासखंड के कई अनेक ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर छत से पानी टपक रहा है, तो कहीं बरामदा में पानी भर जा रहा है। इस तरह से कई प्रकार की अव्यवस्थाएँ तो हैं, जिसकी जब भी जानकारी मेरे से मांगी जाएगी मैं उच्च कार्यालय को प्रस्तुत कर दूँगा। मेरा नाम संतोष कुमार बरट है और मैं जनपद प्राथमिक शाला हरदी का प्रभारी प्रधान पाठक हूँ। वर्तमान में हमारा जो स्कूल है अत्यंत जर्जर हो चुका है। पिछले साल इसकी दर्ज संख्या 23 थी, जो वर्तमान में 26 पहुँच चुकी है, और अभी वर्तमान में मिडिल स्कूल हरदी में 2 पालियों में संचालित हो रही है। लगभग अभी 4-5 साल हो गया जर्जर हुए इसको। कई बार हम लोग उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। प्राथमिक शाला हरदी का पूरा भवन जर्जर हो चुका है, खंडहर हो चुका है, पानी बरसात में बहुत ज़्यादा टिपक रहा है, और इतना ज़्यादा जर्जर हो गया कि वहाँ बैठाने लायक भी नहीं है, इसलिए 2 पाली में लगता है स्कूल। और जो अतिरिक्त कक्ष भी है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, और इसलिए हमारे प्राथमिक शाला हरदी का जो है वो मिडिल स्कूल में संचालित होता है। स्कूल 7 बजे से 12 बजे तक, और मिडिल स्कूल का 12 बजे से 5 बजे तक। पहले कई सालों से हरदी का प्राथमिक स्कूल जर्जर हालत में है, और उसकी देख रेख ना पुराना विधायक जी ने वहाँ किया, ना अभी वर्तमान विधायक किए हैं, और अभी का सरकार जो है नरवा गरवा घुरवा में जितना समय कर रही है, ठीक है, अच्छी बात, उनकी समझ है, अच्छी करें, लेकिन कम से कम 10-20% शिक्षा में भी दें, और शिक्षा में अच्छा छत्तीसगढ़ को ऊँचा स्थान दिलाएँ। और अभी दुखदायी है कि आज़ादी के 73 साल बाद हरदी में एक ही भवन में कई कक्षाएं चल रही है। बताइए, छत्तीसगढ़ इतना विकसित राज्य है, फिर भी यहां सरकारें स्कूल को अस्पताल को ढंग से ध्यान नहीं दे रही हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूल पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें।